दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद किशोर, आप देख रहे हैं देश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं मिर्ची खेती के बारे में। दोस्तों आज ये नौबत आ गई, किसान मिर्ची खुद उगा कर नहीं खा पा रहा है, बेचना तो दूर की बात है। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको दो तीन तरीके बताने वाला हूँ मिर्ची को लगाने के, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके ये वीडियो काफ़ी काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में मिर्ची को उगाने के तीन तरीकों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मिर्ची हर किसान उगाता है लेकिन उसमें आगे चलकर जो सिर बनने की समस्या है वो आ जाती है। तो हम उसी को ध्यान में रखकर आपको तीन तरीके बताने वाले हैं, जिसमें हम बीज उगाने का तरीका एक है लेकिन खेती करने के आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप अपने खाने के लिए मिर्ची उगाना चाहते हैं, मतलब थोड़ी सी जगह में, तो या फिर आप लार्ज स्केल पर खेती करना चाहते हैं, उसका तरीका वही है जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जगह अलग अलग हो सकती है और उसका अपना अलग अलग फ़ायदा है अलग अलग सीजन में लगाने का। तो दोस्तों अगर आप थोड़ी सी जगह में मिर्ची खेती करते हैं और बारिश में अगर आप मिर्ची स्टार्ट करते हैं लगाना, तो दोस्तों जहां आप मिर्ची लगाना चाहते हैं, भले थोड़े से एरिया हो वो, वहां पर आप क्या कीजिए, खेत को अच्छे से तैयार कीजिए और जहां आप पौधे लगाने वाले हैं वहां आप सीधा बीज लगाइए। आप दो दो बीज लगाइए, अगर एक नहीं उगेगा, एक उगेगा तो भी आपका काम बन जाएगा, अगर दो उग गए हैं तो एक को आप उखाड़ दीजिए। दोस्तों अगर आप सीधा बीज लगाते हैं तो उस बीज के अंदर ये पावर होती है कि उसमें आगे चलकर वायरस नहीं आता है। दोस्तों ऐसा अनुभव मैंने दो तीन किसानों के यहाँ से लिया है इस साल, और दोस्तों इसमें भी एक और उनका अलग अनुभव भी है कि जो वो बीज लगाते हैं उसमें वो पानी नहीं देते हैं स्टार्टिंग में। अगर वो सीधा बारिश का पानी गिरता है और वो बीज अगर जर्मिनेट होकर बाहर आते हैं तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि वायरस के प्रति, बीमारी के प्रति, उसमें वायरस और बीमारी नहीं आती है। दोस्तों ऐसा मैंने खुद जाकर देखा है, आप जो फार्म देख रहे हैं ये उन्हीं का है, और इन्होंने क्या है कि यहाँ बंदर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ये गोबर का और इसका छिड़काव करते रहते हैं ताकि वो खाएंगे नहीं। बाकी ये बैंगन वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है, इसमें वायरस नहीं आता है, मतलब कि जो सिर मुड़ने की समस्या है वो नहीं आती है, मतलब पौधा का रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहता है। ये जैसे अपन पौधा उखाड़ के लगाते हैं तो मेरे को लगता है इसके जड़ के अंदर कोई समस्या होती होगी, क्योंकि हम उसको साइंटिफिक तरीके से अभी जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तरीका काम करता है। अगर आप बरसात में प्याज की खेती करते हैं तो वहाँ पर भी किसान मिर्ची लगाते हैं उसकी जो मेड़ मेड़ पर है, और लेकिन दोस्तों वहाँ वो पौधे रोपते हैं तो फिर उसमें बीमारी आती है, लेकिन अगर वो वहीं बीज उगा देते हैं सीधा जहाँ वो प्याज के बीज छिड़कता है उसी टाइम में अगर वो बीज उसकी डोली डोली मेड़ मेड़ पर लगा देगा तो उसमें भी वो बीमारी नहीं आएगी, मतलब वायरस नहीं आएगा। और सीधे पौधे जो पौधे भी लगाते हैं उसमें बीमारी कम आती है, क्योंकि वो जो दवाई वगैरह छिड़कते हैं तो मिर्ची के ऊपर भी छिड़क देते हैं तो उससे भी वायरस नहीं आता, लेकिन अंततः आधे पौधे में आ जाता है, ये भी मैंने देखा है। और तीसरा तरीका दोस्तों जो किसान भाई आज लार्ज स्केल पर खेती करने के लिए अपना रहे हैं वो है कि लहसुन में वो मिर्ची लगाते हैं स्टार्टिंग में। जब वो लहसुन की चुपाई करते हैं दोस्तों तो उसी बीच वो क्या करते हैं, दो लाइन की लहसुन की और तीसरी लाइन मिर्ची की लगा देते हैं, फिर दो लाइन लहसुन की फिर मिर्ची की, ऐसे में वो सीधा बीज लगाते हैं। दोस्तों उस मिर्ची के अंदर इतना पावर होता है कि एंड तक उसमें वायरस नहीं आता है, दवाई का छिड़काव तो उसमें करते हैं लेकिन उसमें वो वायरस नहीं फैलता है। अगर किसी एक आधे पौधे में अगर सिर मुड़ने की समस्या हो भी गई है तो वो दूसरे पौधे तक नहीं पहुंचती है। दोस्तों ऐसा मैंने खुद देखा है, पिछले साल का मेरा अनुभव है। और आज बात करें दोस्तों तो चित्तौड़ एरिया में कुछ छोटी साड़ी साइड है जो किसान मिर्ची लगाते हैं लहसुन के अंदर, उसका अपना खुद का अलग महत्व है, क्योंकि वो इस टाइम लगाते हैं तो अभी ठंड पड़ती है, तो दोस्तों क्या है कि ठंड से बचाना भी ज़रूरी है, तो लहसुन में क्या है कि गर्मी रहती है, राइट, और दूसरा उसमें उसकी आड़ में वो बच जाता है पौधा, और जब लहसुन निकाल लेते हैं अपन हाथ से उसके बाद मिर्ची रह जाती है, तो वो शादी के टाइम में लगभग स्टार्ट होती है शादियाँ गर्मी में अप्रैल में, तो उस टाइम उसका अच्छा मार्केट मिल जाता है, क्योंकि एक मल्टी क्रॉप है, ज़्यादा टाइम उसमें अलग से नहीं देना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वो लहसुन में बढ़ने लग जाती है। फिर जैसे भी अपन लहसुन निकालते हैं तो उसके बाद उनको अच्छे से स्पेस मिल जाता है, हवा मिलती है, तो उसके बाद जल्दी उसमें फ्रूटिंग होने लग जाती है, तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है। और ये दो तीन तरीके हैं दोस्तों, अगर आप मिर्ची के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपके काफ़ी काम आएगा, और अगर आप इसको अपनाएंगे, भले आप छोटे स्केल पर लगाना चाहते हैं या फिर उसको लार्ज स्केल पर खेती करना चाहते हैं, तो अगर आप सीधा बीज लगाते हैं अपने खेत में
तो उस बीज से जो अगर मिर्ची का पौधा उगेगा उसमें वायरस कम आएगा। ये दोस्तों मैंने 2 साल से देख रहा हूँ और बहुत सारे किसानों का ये अनुभव भी है। और जब से किसान मिर्ची लहसुन के अंदर लगाने लग गए हैं उसमें फिर हम ज़्यादा इसमें आगे बढ़ गए, मतलब इस चीज़ को आप ज़्यादा समझ पाए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन काफ़ी शुभ रहे।